नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का लेसन नंबर 8 है, जिसमें काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव में करना चाहते हैं, तो आप मुझे अनअकैडमी पर आज ही फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एक कोर्स का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप जरूर से चेक कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया है, ये हमको बताना है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, पक्षी उड़ रहे हैं, तो इसमें जो आपकी क्रिया होगी वो होगी आपकी अकर्मक क्रिया। जी हाँ दोस्तों, वाक्य में अकर्मक क्रिया है, क्योंकि पक्षी उड़ रहे हैं। वाक्य में उड़ना जो है वो क्रिया का फल या कर्म दोनों कर्ता पक्षी में है, इसलिए इसमें कोई कर्म नहीं है। इसलिए इस सेंटेंस में जो क्रिया होगी वो होगी आपकी अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है आपका कि कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है, ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने और देख लीजिए कि कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है। रामधारी सिंधनकर, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र के रचनाकार की, तो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, कुरुक्षेत्र के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर की अगर मैं अन्य प्रमुख रचनाओं की अगर बात करूं, तो वो हो जाएंगी आपकी हूंकार, कुरुक्षेत्र, नीम के पत्ते, उर्वशी, रेणुका। ये भी आपकी रामधारी सिंह दिनकर की काफी इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि वर्तनी के अनुसार हमको शुद्ध शब्द का चयन करना है कि दंडनीय किस प्रकार से लिखा जाता है। और देख लिए दोस्तों, वर्तनी के अनुसार हमको बताना है कि बिल्कुल शुद्ध शब्द कौन सा है। चार ऑप्शंस आपके सामने और दंडनीय किस प्रकार से, बिल्कुल सही स्पेलिंग क्या है, ये हमको बताना है। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरे नंबर का। जी हाँ दोस्तों, दंडनीय इस प्रकार से लिखा जाता है, सॉरी, चौथे नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। तीसरा जरूर लिखा है, लेकिन आप चौथा मान के चलिए। नेक्स्ट है आपका मीन शब्द का पर्यायवाची हमको बताना है। जलयान मछली, शाखा मृग या शांत, मीन का पर्यायवाची हमको बताना है। ठीक है, तो पर्यायवाची आप सभी जानते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, तो मीन का जो आपका पर्यायवाची होगा वो होगा आपका मछली, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दोहा लिखा है, इसमें कौन सा अलंकार होगा, ये हमको बताना है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। तो आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या रूपक अलंकार। तो दोस्तों, इसमें जो आपका अलंकार होगा तो ये होगा आपका श्लेष अलंकार। जी हाँ दोस्तों, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। तो इसमें जो आपका अलंकार होगा वो होगा आपका श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है आपका किसी बात को किसी दिए गए शब्द में हमको अलंकार बताना है कि किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है। ठीक है, ये आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। ठीक है, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहने के लिए क्या कहते हैं, या अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ता, अतियुक्ति या अनिवर्चीन। तो दोस्तों, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना इस वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा अतिशयोक्ति। जी हाँ दोस्तों, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द होगा आपका अतिशयोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित दिए गए शब्द का हमको विलोम बताना है। भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा, ये हमको बताना है। आध्यात्मिक, पारलौकिक, लौकिक या सांसारिक। तो दोस्तों, भौतिक का जो आपका विलोम शब्द होगा वो होगा आपका आध्यात्मिक। जी हाँ दोस्तों, भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा, आध्यात्मिक, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दिए गए शब्द का हमको विलोम शब्द चुनना है। असीम का विलोम शब्द क्या होगा, अनंत, असीमित,
अथाह या सीमित, असीम का हमको क्या बताना है, ये बताना है हमको विलोम शब्द। तो देखो असीम का जो आपका विलोम शब्द होगा वो होगा आपका सीमित, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि रंगभूमि उपन्यास किसकी रचना है, ये हमको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, भारतेंदु हरिश्चंद, मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी प्रेमचंद्र या वर्धनी नारायण चौधरी। तो दोस्तों रंगभूमि जो आपका उपन्यास है ये किसकी रचना है, ये आपकी मुंशी प्रेमचंद्र की, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सूर्य की सबसे भारी परत को क्या कहते हैं, ये हमको बताना है। स्थल मंडल, कैरोना, प्रकाश मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो देखो सूर्य की जो आपकी सबसे भारी परत है उसको कहते हैं हम कैरोना। जी हाँ दोस्तों, कैरोना सूर्य की सबसे भारी परत है, यह केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय देखा जा सकता है। यह केंद्र से अंतरिक्ष के बाहर की ओर उड़ने वाले श्वेत प्रकाश किरणों अथवा आयनित गैसों के पंखों के रूप में दिखाई देता है। सूर्य की परतें ये आपकी आपके सामने हैं, ठीक है। तो कैरोना जो है वो सूर्य की सबसे बाहरी परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से चिंतामणि के लेखक कौन है, ये हमको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रत्नाकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मलिक मोहम्मद जायसी। तो दोस्तों अगर हम बात करें चिंतामणि के लेखक, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो होंगे वो चिंतामणि के लेखक होंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। सेवा सदन उपन्यास के रचनाकार कौन है, ये हमको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मलिक मोहम्मद जायसी, जयशंकर प्रसाद या मुंशी प्रेमचंद। तो दोस्तों अगर हम बात करें सेवा सदन उपन्यास की, तो सेवा सदन जो आपका उपन्यास है ये आपका मुंशी प्रेमचंद्र का, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। सेवा सदन के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र की अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे रंगभूमि हुई, निर्मला हुई, गबन हुई, कर्मभूमि हुई, गोदान, ये आपकी मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये हमको बताना है। देखो पुरुषार्थ किस प्रकार से लिखा जाता है, ये हमको बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देख लीजिए, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, पुरुषार्थ पूछ रहा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो आपका शब्द हो जाएगा वो चौथे नंबर का हो जाएगा। पुरुषार्थ आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि कौन सी विद्यार्थी में कौन सी संधि है, ये हमको बताना है। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या यण संधि। तो दोस्तों अगर हम बात करें विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी में जो आपकी संधि है वो है आपकी दीर्घ संधि, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थी में आपकी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। संधि की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके लिए प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से मुहावरे का सही अर्थ बताइए, आंखें नीचे होने का मुहावरे का सही अर्थ क्या है। चार ऑप्शन देख लीजिए, आंखों की बीमारी होना, धूप सहन ना करना, सोच समझकर चलना या शर्मिंदा होना या लज्जा होना। तो देखो आंखें नीची मुहावरे का अर्थ होता है शर्मिंदा होना, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पाप पुण्य में कौन सा समास है, ये हमको बताना है। अच्छा एक चीज और बता दे रहा हूं मैं, ये लिखा है आपका पाप, इसके बीच में एक है आपका योजक चिन्ह और यहां पर लिखा है आपका पुण्य। इस प्रकार से आपको बताना है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है, ठीक है। तो पूरा ऑप्शन क्वेश्चंस मैंने सही कर दिया। देखो मैंने आपको कई बार बताया कि आपको यहाँ पर हाइफन का चिन्ह दिख जाए, आपको कुछ नहीं करना है, आंसर में देखना है कि द्वंद्व समास कहाँ लिखा हुआ है। तो हमने देखा तीसरे नंबर पर द्वंद्व समास लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट है आपका कि सममात्रिक छंद कौन सा है, ये हमको बताना है। दोहा, सोरठा, चौपाई या बरबे। सममात्रिक छंद हमको बताना है। तो देखो अगर हम बात करें सममात्रिक छंद की, तो चौपाई जो होता है वो आपका सममात्रिक छंद होता है, क्योंकि चौपाई सममात्रिक छंद है या मात्रिक सम छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, इसलिए चौपाई जो है वो सममात्रिक छंद है। नेक्स्ट है आपका कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना, इसको हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, पाप, अपयश, अराजक या कलंक। तो देखो क्या बोला मैंने, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाने के लिए बोलेंगे हम कलंक, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछा था कि कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाने को क्या कहेंगे, कलंक। नेक्स्ट है आपका कि रस के कितने अंग होते हैं, ये हमको बताना है।
दो, चार, सात या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, रस के जो आपके अंग होते हैं वो होते हैं आपके चार अंग। कौन कौन से? एक तो आपका हो गया स्थायी भाव, दूसरा हो गया आपका विभाव, अगर आपको नहीं पता तो लिख लीजिएगा स्थायी भाव, दूसरा होगा आपका विभाव, तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुभाव, ठीक है, और चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा आपका संचारी भाव, ठीक है। तो इस प्रकार से रस के कितने अंग होते हैं? चार अंग होते हैं, मैंने आपको लिख करके बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों का विलोम शब्द हमको बताना है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, आकाश का विलोम शब्द हमको बताना है। गगन पाताल, देखो ये लिखा है आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पाताल, ठीक है, गगन पाताल धरा या सागर। तो देखो, आकाश का जो आपका विलोम शब्द होगा वो होगा आपका पाताल। ये क्वेश्चन आपका वीडियो में भी पूछा गया, बिल्कुल डिक्टो ऐसा ही जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आकाश का विलोम शब्द क्या हो गया दोस्तों? पाताल, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो गया। अब दोस्तों ये थे आपके 20 क्वेश्चन, आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि आपके 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन की तरह यूज होता है या एक वचन की तरह प्रयोग होता है, ये हमको बताना है। जनता, दर्शन, लोग या आंसू, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाना है, और मैं आपको ये क्वेश्चंस बता भी चुका हूं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।